नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने चैनल दूसरा क्लासेस में। तो मैं आज आप लोग के लिए भौतिक विज्ञान का पार्ट टू लेकर आया हूं, जो रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो संभावित क्वेश्चन है जो आगामी परीक्षा में आने की जिनकी संभावना है, उनका एक बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पार्ट टू। ये भौतिक विज्ञान जो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। देखिए, दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, एक होती है सदिश राशियाँ, एक होती है अदिश राशियाँ। तो हम इसको इसमें ये देखना है कि कौन सी ऐसी राशि है जो अदिश राशि है, यानी जो सदिश राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि अदिश राशियों में ही केवल परिमाण होता है। तो हमको ये देखना है कि पर इसमें से अदिश राशि कौन सी है। याद रखिए, संवेग हमारा सदिश राशि होता है, विस्थापन जो हमारा सदिश राशि होता है, बल भी सदिश राशि होता है, यानी कार्य जो है आपका कौन सी राशि है, कार्य आपका अदिश राशि है, जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्न में से कौन सा अधिक काम कर सकता है, यानी आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं, एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर और एक उठाया हुआ हथौड़ा। इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है, यानी कौन सा ऐसा कार्य है जो मैक्सिमम काम कर सकता है। तो देखिए, ध्यान से समझिए, कार्य तो सब करेंगे, ध्यान से समझिए। घूमता हुआ पहिया भी कार्य कर सकता है, करेगा ही करेगा, बंदूक की चलती हुई गोली भी कार्य करेगी, गतिशील पत्थर भी काम करेगा, एक हथौड़ा भी काम करेगा, लेकिन हमको ये देखना है कि सबसे अधिक कार्य कौन करेगा। तो इसमें ध्यान से समझिए, एक घूमता हुआ पहिया आपका गति ऊर्जा होती है, उसमें बंदूक से चलती हुई गोली में भी गति ऊर्जा होगी, गतिशील पत्थर में भी गति ऊर्जा होगा, और एक उठाया हुआ हथौड़ा में स्थिति ऊर्जा होगा, क्योंकि किसी पिंड में उसकी स्थिति कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें देखना है कौन सा ऐसा पॉइंट है, जो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें अधिक कार्य किया जा सकता है। तो अधिक कार्य किसमें किया जाएगा, तो अधिक कार्य किया जाएगा बंदूक की एक चलती हुई गोली के द्वारा हम अधिक कार्य कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो वेलोसिटी होता है सबसे अधिक होता है, इनमें सबसे अधिक बंदूक की चलती हुई गोली है, इसलिए सबसे अधिक कार्य करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करता है और 20 जूल का कार्य करता है, बल और विस्थापन के बीच का एंगल बताना हमको कि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है। देखिए, कार्य का जो व्यापक सूत्र होता है वो व्यापक सूत्र होता है W इज इक्वल टू FD cos थीटा। और यहाँ पे देखिए, W का मान दिया है कितना, 20 जूल। तो W की जगह पर यदि हम 20 जूल रखते हैं और बल का मान भी दिया है 20 न्यूटन और हमारा विस्थापन कितना दिया है, 2 मीटर विस्थापन दिया है, उसके बाद होता है cos थीटा। तो 20 से 20 आपका कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा का जो मान निकलेगा, cos थीटा का मान निकलेगा 1/2। तो हमको देखना है इसमें है ये है कि cos थीटा में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है। याद रखिए, तो cos थीटा में जो 60 डिग्री है, 60 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। तो राइट उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल निकल जाएगा इस प्रकार हमारा 60 डिग्री। सूत्र भी याद रखिएगा आप लोग। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 12 किलोग्राम के एक पिंड को उठाया जाता है जमीन से 1.5 मीटर की दूरी पर, तो उसको उठाने में जो किया गया कार्य है, उस सामान को उठाने में किया गया कार्य, ये चीज़ हमको निकालना है। देखिए, तो आप लोग को मालूम है कि जब किसी पिंड को ऊपर की तरफ उठाया जाता है, तो ऊपर की तरफ उठाने में जो किया गया कार्य है, यही जो कार्य होता है वो हमारा स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि हमको m भी दिया है, h भी दिया है और g भी दिया है। बस सूत्र आपको लगा देना है, सिंपल सूत्र है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है। तो हमारा सूत्र क्या होता है, mgh, w बराबर हमारा हो जाएगा mgh। m का मान दिया है 12 किलोग्राम, g का मान आपका 10 होता है, मालूम है सबको, और 1.5 यदि गुणा कराते हैं आप तो हमारा राइट उत्तर क्या आ जाएगा, 180 जूल हमारा जो होगा वो किया गया कार्य होगा उस पिंड को, यानी 12 किलोग्राम वाले पिंड को ऊपर उठाने में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और उसके द्वारा किया गया कार्य जो है 20,000 जूल है, तो बल की बात कर रहा है, मैंने बल पूछ रहा है आपसे कि बल कितना होगा। तो सिंपल फार्मूला, सबसे साधारण फार्मूला आप लोग जानते हैं कि W बराबर होता है F×D। सिंपल, यदि कोई एंगल नहीं दिया है तो इस सूत्र का यूज करते हैं हम लोग। तो W बराबर F×D, W दिया है आपका 20,000 जूल, F का मान दिया है 4000, D का मान आपसे पूछ रहा है। तो यदि D का मान आपको यहाँ से निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, W से F में, यानी सॉरी W से
बी का मान नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि बल का मान ज्ञात कीजिए। तो बल का मान यदि निकालना है आपको, ध्यान से समझिए, तो बल का मान यदि निकालना है तो एफ इजिकल टू हो जाएगा डब्लू और बाई डी। तो डब्लू का मान दिया है कितना, 20,000 जूल, और इसका मान दिया है आपका, डी का मान दिया है 4,000 मीटर। यदि भाग देंगे आप 20,000 में 4,000 से भाग देंगे तो उत्तर हमारा हो जाएगा 5 न्यूटन, यानी यही हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे जमीन से ऊपर किसी बिंदु पर, एक बिंदु पर किसी वस्तु को गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को, यानी किया गया कार्य क्या, यानी कैसे उसको परिभाषित किया जाता है। जब किसी पिंड को हम जमीन से ऊपर लेकर जाते हैं उसके द्वारा किया गया कार्य कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए चार विकल्प हमारे सामने हैं, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर ऊपर ले जाने में, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने में, इसे केंद्र पर रखने में, इसे गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जमीन पर रखने में। ध्यान से समझिएगा, किसी पिंड को जब हम जमीन से ऊपर ले जाते हैं तो उसका जो कार्य होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जब हम उसको ऊपर ले जाते हैं तो वहीं जो हमारे द्वारा किया गया कार्य होता है वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल, इसे गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर ले जाने में जो किया गया कार्य है वह स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। ध्यान से समझिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। 1 किलोग्राम के एक पिंड को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जा सकता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। मान लीजिए जी का मान दिया है 9.8। तो देखिए ध्यान से, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य, जैसे हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ध्यान से समझिए। हमारे द्वारा किया गया कार्य आपको अभी बताए हैं कि W बराबर होता है आपका MgH। W बराबर क्या होता है, MgH होता है। तो M का मान दिया है, G का मान दिया है, H का मान दिया है। M का मान दिया है 1 किलोग्राम, G का मान दिया है 9.8, H का मान दिया है 10 मीटर। इसको गुणा कराएंगे तो हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वो निकलेगा आपका कितना जूल, 98 जूल। ध्यान से समझिए, 98 जूल। क्यों, क्योंकि 9.8 में 10 से गुणा कराएंगे 98 हो जाएगा, 1 से गुणा कराएंगे आपका 98 जूल। तो ये हमारे द्वारा किया गया कार्य है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कितना कार्य किया जाएगा, यही कार्य ऋणात्मक में आता है, माइनस का 98 जूल जो होगा हमारा राइट उत्तर आएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए कि एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और जमीन से 2 मीटर अपने सर पर रखकर चलता है। कह रहा है कि समान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करना है। देखिए ध्यान से समझिए, यही भी उठाने वाला क्वेश्चन है, यानी 20 किलोग्राम द्रव्यमान है, ठीक है, 2 मीटर ऊपर उठाता है और 10 मीटर कह रहा है कि वो चलता है। तो MgH का सूत्र लगा दीजिए आप कि उठाने में जो किया गया कार्य है वो कितना किया है। तो M का मान दिया है 20 किलोग्राम, G का मान दिया है कितना, 10, और ऊपर उठाता है कितना मीटर, 2 मीटर। तो MgH लगा दीजिए इस पर, 20 × 2 = 40, और 40 में 10 से गुणा कराएंगे हमारा हो जाएगा उत्तर 400, यानी हमारे द्वारा जो कुली के द्वारा किया गया कार्य है वो कितना हो जाएगा आपका 400। देखिए MgH वाला सूत्र लगाइए, बहुत बेहतरीन सूत्र है। M का मान दिया है 20, H का मान दिया 2, 20 में 2 से गुणा कराएंगे 40 हो जाएगा, 40 में 10 से गुणा करा देंगे 400 हो जाएगा, यानी राइट उत्तर हमारा हो जाएगा 400 जूल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि जब कोई वस्तु एक बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी तय करती है और इस पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो किया गया कार्य। सबसे सिंपल सवाल है आपका, देखिए दो चीज़ दिया है हमको, विस्थापन दे दिया है और बल दे दिया है। तो जानते हैं कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यानी 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 जूल आपका राइट उत्तर आ जाएगा। चलिए चलते हैं, यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का 120 न्यूटन का भार एक बक्से को लेकर 2 मीटर ऊंचाई तक उठाता है, इसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो सेम वही क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, 120 न्यूटन का जो भार है, ध्यान से समझिए, ये भार दिया है 120 न्यूटन का, वो दूरी दिया है 2 मीटर का, तो जब उसको उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य, देखिए यहाँ पर बल का मान दे दिया है। जैसे हम लोग समझो ध्यान से कि W का मान हम जब लोग MgH रखते हैं हम लोग, तो MgH में Mg क्या है, तो Mg एक प्रकार का बल होता है क्योंकि द्रव्यमान गुणे त्वरण है, एक प्रकार का ये बल है। तो बल का तो मान दिया है 120, विस्थापन का मान दिया 2, 120 का 2 में गुणा कराएंगे, यानी राइट उत्तर हमारा जो हो जाएगा 240 न्यूटन हो जाएगा। चलिए कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो सबसे आसान चीज़ सबको याद होता है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो कैसा होगा। ध्यान से समझिए, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो कैसा होगा, यानी उसकी ऊर्जा में ह्रास होगा या उसका मान शून्य होगा या वह नियत होगा या उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगा। देखिए जिस निकाय पर काम किया जाता है,
उस निकाय पर हम काम करते हैं तो उसमें ऊर्जा संचित होती है, यानी उसकी ऊर्जा में वृद्धि होता है। तो राइट उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा हमारा डी, यानी उसके ऊर्जा में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया गया, ध्यान से समझिए, किसमें कोई कार्य नहीं किया गया है। सचिन कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, सचिन 4 किलोमीटर चलता है, एक कुली किसी बस से किसी कार तक वजन लेकर जाता है, अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, तो इसमें कार्य क्या नहीं किया गया। तो ये जो खड़ा है, याद रखिए 10 किलोग्राम भार लेकर ये जो खड़ा है व्यक्ति, वास्तव में ये कोई कार्य नहीं किया है। तो राइट उत्तर हमारा ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है कब, ध्यान से समझिए, कंडीशन दिया है कि बल और विस्थापन की दिशा, बल विस्थापन की दिशा समान होती है, यानी बल ही विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल की दिशा में लंबवत होता है, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, विस्थापन बल की दिशा से विपरीत होता है। देखिए तो जब कार्य तभी होगा जब आपका बल की दिशा में विस्थापन होगा, याद रखिए यही धनात्मक कार्य होता है। जब विस्थापन बल से लंबवत होगा तो यहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा, जीरो। आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है तो यहाँ भी कार्य क्या हो जाएगा, जीरो। विस्थापन बल की दिशा से विपरीत होता है यानी यहाँ पर कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। याद रखिएगा इस एक कंसेप्ट समझ लीजिए। देखिए यदि बल इस साइड में लगाया गया, विस्थापन इसी साइड में हुआ, तो कार्य आपका हो जाएगा धनात्मक। यदि बल लगाया गया इस साइड में, विस्थापन होगा इस साइड में, यहाँ थीटा का मान 90 होता है, तो कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यदि बल लगाया जा रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है, तो डी का मान जीरो है, तो डब्ल्यू का मान यहाँ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यदि बल इस साइड में लगाया गया, विस्थापन इस साइड में हो रहा है, तो यहाँ कार्य का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। बल और विस्थापन की दिशा समान तो हमारा कार्य धनात्मक, बल और विस्थापन की दिशा विपरीत तो कार्य हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो कार्य का मान जीरो। यदि विस्थापन या बल में से किसी एक का मान जीरो होता है तो उस स्थिति में भी कार्य हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।